अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, शान से बी थ्री व्लॉग में आपको खुश आमदीद करती हूँ। आज हम घर में बनाने जा रहे हैं लजीज़ा फलूदा मिक्स, जो हम बाज़ार से लेते हैं डब्बे में पैक, वो हम आज घर में बनाने जा रहे हैं। तो आइए उसकी रेसिपी शुरू करते हैं। हमने पतीले में तकरीबन 2 लीटर दूध डाला है। वैसे तो हम लजीज़ा मिक्स बाहर से भी ला कर पकाते हैं, लेकिन आज उसकी रेसिपी मैं घर पर बना रही हूँ, जो जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर शामिल होते हैं। यहाँ पे मैं दिखाना भूल गई, मैंने जो अब इसके अंदर सेवइयाँ डालूंगी, ये देखें जैसे मैं अब डाल रही हूँ, ये सेवइयाँ मैंने थोड़े से घी में पहले फ्राई कर ली थी, बिल्कुल ही कम घी में फ्राई करके फिर अलहदा निकाल लिया था। जैसे ही दूध गर्म हुआ मैंने इसके अंदर ये सेवइयाँ डाल दी। ये व्लॉग हम बना रहे हैं 27वीं के लिए, लेकिन अपलोड आज किया है मैंने। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। जैसे हमारी सेवइयाँ थोड़ी सी पकी हैं, मैंने इसके अंदर बादाम क्रश करके डाल दिए हैं। ये तकरीबन 20 से 25 बादाम हैं जो मैंने क्रश करके इसके अंदर डाले हैं। मसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे हम। अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल करेंगे। ये मैंने तकरीबन 4 इलायची को बारीक पीस के वो इसके अंदर शामिल किया है। यहाँ पर हमारे सेवियाँ पकते हुए इसे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर 1 पाव के करीब चीनी डालेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। जैसे चीनी हमारी मेल्ट होगी उसके बाद हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे। थोड़े से दूध में मैंने अलहदा कस्टर्ड पाउडर हल करके अब इसके अंदर डाला है। हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे, जितने हमने सेवइयाँ और दूध और ये सारी चीज़ें ली थी उस हिसाब से हमने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर शामिल किया। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सारी चीज़ें पकने के बाद अब हम एंड में इसके अंदर तुखमे बालंगा शामिल करेंगे। तकरीबन 6 से 7 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किए, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
इसी तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। यहाँ पर हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी इसकी। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे करने के बाद अब हम इसे फ्रीज कर लेंगे। हम इसे ओवरनाइट फ्रीज करेंगे और बाद में हम इसे सर्व कर देंगे अपने हिसाब के मुताबिक। इसी के साथ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।